सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीडी पेट्स एंड एक्वेटिक्स। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा मैं 5000 टू 6000 ओनली बाय ब्रीडिंग मॉलीज कैसे कमाता हूं। दोस्तों क्या है वो सीक्रेट, कैसे हम बेच सकते हैं, कैसे हम एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों थ्रू दीज लिटल फ्राइज। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे हैं, आई डोंट वांट टू टैप द ग्लास। देख सकते हो यहाँ पे स्टोन के ऊपर, ये साइड पे सब जगह एक्युमुलेटेड है दोस्तों। सो दोस्तों अभी आप बोलोगे ये छोटा टैंक है, हाँ दोस्तों ये छोटा टैंक है, लेकिन मैं ओनली फॉर अराउंड 10 डेज के लिए फ्राइज को इसमें रखता हूँ। एक बार थोड़ा ग्रोथ हो जाता है उसके बाद में उन्हें एक दूसरे टैंक में शिफ्ट करता हूँ, जिसको मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो प्लांट्स है, पानी क्रिस्टल क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो बाहर का टैंक है दोस्तों उसमें कोई प्लांट्स नहीं है एंड वाटर इज वेरी ग्रीन, तो मैं बता नहीं पाऊंगा अगर आप फ्राइज को देख पाओगे या नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों लेट्स गेट टू द बैक टू द पॉइंट, हाउ कैन वी अर्न मनी। देखिए दोस्तों कुछ भी कमाने के लिए आपको वो हॉबी होना चाहिए, बिना हॉबी या बिना कुछ प्यार या अफेक्शन के बिना आप वो हॉबी नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो एकदम सक्सेसफुली एक अच्छे रेट पे नहीं कर पाओगे। अभी मेरे घर में एवरी मंथ एक फीमेल से अराउंड 25 टू 30 बेबीज आ जाते हैं, और मेरे पास अराउंड 10 फीमेल्स हो, तो आप बोल सकते हो मोर देन 200 फ्राइज मुझे एवरी मंथ मिलता है। लेकिन मैं उनको भी एक ब्रेक देता हूँ, जो है दोस्तों आई गिव देम ब्रेक्स, मैं एकदम कंटिन्यूस ब्रीडिंग नहीं लेता हूँ इनसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और दूसरा टैंक भी दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी दीज आर ओनली 2 डे ओल्ड फ्राइज, लेकिन आप साइज देख सकते हो दोस्तों कितना ग्रोथ हो चुका है दोस्तों एकदम अच्छा से आप देख सकते हो। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग, जब आप मॉलीज ला रहे हो दोस्तों, आई वुड प्रेफर नॉट टू ब्रीड इन टैंक। और आप फर्स्ट थिंग नोट कीजिए कि आप ट्राई कीजिए टब में ब्रीड करने के लिए। क्यों दोस्तों, टब में अच्छा हो जाता है दोस्तों, मॉलीज को डार्क एरिया मिल जाता है, अकॉर्डिंग दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस दोस्तों, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग आप उन्हें एक डार्क एनवायरनमेंट दीजिए दोस्तों, थोड़े प्लांट्स ऐड कीजिए उसमें, आपको थोड़े ही दिन में अपने आप बहुत सारे फ्राइज दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप नए मॉलीज ला रहे हो दोस्तों, हमेशा एक यंगर फीमेल लाइए और एक एक्टिव मेल लाए दोस्तों। ऐसा मत कीजिए कि एक अनएक्टिव मेल लाए और एक एकदम बड़ी साइज की फीमेल आप लाओगी, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारी फीमेल मॉली है वो मेल को मार देगी। तो हमेशा वैसा कीजिए कि दोनों थोड़ा यंग रहने दीजिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, एक महीना रुकिए, अपने आप ही ब्रीडिंग वो स्टार्ट कर लेंगे। सेकेंड चीज़ है दोस्तों, अगर आप बड़ा आपका एक पॉन्ड है और अगर आप एक ठंडी एरिया में रह रहे हो, तो प्लीज़ एक हीटर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनको थोड़े कभार शॉक्स लग जाते हैं वाटर चेंजेस के टाइम, या जब वाटर का टेम्परेचर एकदम हाई जाता है तब। सेकंड दोस्तों, अवॉइड फीडिंग पैलेट फूड। फर्स्ट थिंग दोस्तों, अगर आपको आपके मॉलीज एकदम फास्ट ग्रोथ चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ डोंट यूज़ पैलेट फूड, उन्हें लाइव फूड दीजिए। आपको बहुत वैरायटीज मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे सेलर्स भी हैं, आपको ब्लड वर्म्स मिल जाते हैं, आपको ब्राइन श्रिंप मिल जाते हैं दोस्तों, आपको ताफनिया मिल जाता है, और वेरियस अदर थिंग्स आपको मिल जाता है दोस्तों। थैंक यू।